लाचार बचपन की कहानी। मजदूरी में बीत रहा बचपन, 10 साल के बच्चे की बेबसी। उम्र 10 साल, बड़ी साइकिल और उसके पीछे आइसक्रीम का बॉक्स। ये उस बचपन की तस्वीर है जिसके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ परिवार का बोझ है। ये तस्वीर मनिहारी की है, जहां 10 साल की छोटी उम्र में आइसक्रीम बेचता ये सरफराज है, जिसे स्कूल जाना था, अपने सपने पूरे करने थे। वो अपने परिवार की आर्थिक बोझ के कारण घूम घूम कर आइसक्रीम बेचने को मजबूर है। बानीपुर गांव के रहने वाले सरफराज के सपने बड़े हैं और बहुत बड़े हैं, लेकिन वो क्या करे, ऐसे हजारों और लाखों बच्चे हैं जिनका बचपन इसी तरह आर्थिक बोझ में दबकर रह जा रहा है। हाल ही में जब सीएम नीतीश कुमार अपने गृह जिले नालंदा गए थे, तब एक बच्चे ने उनके सामने पढ़ाई की मांग को लेकर अपनी गुहार लगाई थी। सर सुनिए ना, सर सुना जा सर, सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको पार्षद नहीं पढ़ाना चाहते सर। उधर ग्रामीणों के मुताबिक गरीबी के कारण सरफराज बर्फ बेचकर उसी पैसे से कॉपी कलम लेकर स्कूल जाता है। सरफराज ने बताया कि हालात के कारण मुझे आइसक्रीम बेचना पड़ रहा है और मुझे पढ़ाई लिखाई कर कुछ बनना है। क्या करते हो? पढ़ने लिखने जा रहे हैं। पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने लिखने जा रहे हैं। हाँ। बेच के क्या करते हो? पैसा पैसा मुख्य तब लेकर जा रहे हैं स्कूल। तो घर में कौन कौन है तुम्हारे? घर में मेरे पापा है, मेरे भाई है, सब है। वो लोग पढ़ाते लिखाते नहीं? लिखाता है। पढ़ लिख के क्या बनोगे? हम बर्फ का फैक्ट्री बनेगा मालिक। साफ है, सरकार को अपने स्तर से ऐसे होनहार बच्चों की मदद करनी चाहिए, ताकि उन्हें सही रास्ता मिल सके और वो समाज के लिए प्रेरणा बन सके। ताजिम हुसैन, मनिहारी। Oh, my God.